अभी ऑलमोस्ट 9 बज गए हैं। मैडम अभी अभी जगी है, आप देख ही सकते हैं। मुझे मेरी बेटी भी मिल रही है और आज इन्हें चाय भी मिल गया है, तो आज इनका दिन आई होप गुड मॉर्निंग जैसा हुआ जरूर। मेरा दिन हमेशा गुड मॉर्निंग जैसा होता है आपके लिए, आपकी वजह से। क्यों, मैं ऐसा क्या कर देता हूँ? क्योंकि आप मुझे डांटते नहीं हो मैं लेट से सो के उठती हूँ तो। हाँ, ये लेट से सो के उठने पे शादी के पहले भी मैं डांट सुनती थी जब मैं लेट से सो के उठती थी, लेकिन अब मैं नहीं सुनती, अब मैं जब भी मन तब उठती हूँ। तो इसलिए आज ये 9 बजे उठी हैं और पूरा मजा ले रही हैं चाय का। हाँ, क्योंकि मैं रात को काम कर रही थी 1 बजे तक ऑफिस का। ओके, इसका मतलब 9 बजे उठोगी? हाँ, मेरी नींद पूरी चाहिए ना, ब्यूटी स्लीप चाहिए 8 घंटे की। ओके ओके, 1 बजे तक तो मैं भी काम किया था, मैं तो 6:30 बजे उठ गया। हाँ, बट यू डोंट नीड ब्यूटी स्लीप। ओके, यू आर नॉट अ ब्यूटी, यू आर हैंडसम। तो आज मैडम का बहुत सारा काम फिनिश हो चुका है, मैं जग गया था और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, क्योंकि इतना जल्दी जगने का आदत तो है नहीं। मैक्स टू मैक्स मैं 7:30-8 बजे तक जग जाता हूं, टाइम कट नहीं रहा था, तो मैं सोचा कि थोड़ा चाय वगैरह बना लूं। और क्या मतलब? आज कचड़ा फेंका इन्होंने, चाय बनाया, घर में झाड़ू भी दे डाला, अब मुझे कुछ भी नहीं करना, अब बस इन्हें नाश्ता बनाना और खाना खिलाना है। हाय, कोई नाश्ता खाना भी दे देता। बस बस, एक्सपेक्टेशन इतना भी हाई नहीं होना चाहिए। तिवारी जी, हिसाब बराबर हो गया ना? सुबह इन्होंने मुझे चाय बना के पिलाई और मैंने इनको गरम गरम पकोड़े। अभी हिसाब बराबर नहीं हो पाए, लंच भी। ये खाना कौन बनाएगा? हाथ उठाओ। मैडम, ऐसा होता है क्या? मैंने इन्होंने चाय बनाया, मैंने नाश्ता बनाया। अच्छा खाना खाना है तो मैडम को ही बनाना होगा। ओ, ये अच्छा खाना नहीं बनाते, लेकिन हाँ जरूरत पड़ता है तो बना तो देते हैं। मैडम अभी कोल्ड ड्रिंक पी रही हैं, पकौड़ा लगता है इनको सूट किया नहीं, कुछ दिन से डाइट पे हैं लगातार और अचानक इन्होंने पकौड़ा खा लिया, तो अब वो पेट सपोर्ट कर नहीं पा रहा, तो अब इनको कोल्ड ड्रिंक के सहारे काम चलाना पड़ रहा है। मुझे तो नहीं लग रहा है कि आज ये लंच भी कर पाएंगी, लगता है पकौड़े की सब्ज़ी मुझे ही पूरा खाना पड़ेगा। वैसे भाई तभी हमारे घर में ना भी हो तक करीबन 2-2.5 महीने बाद कोल्ड ड्रिंक आया है। मैडम का ये कहना है कि कोल्ड ड्रिंक पीने से आदमी मोटा हो जाता है और ये मोटा नहीं होना चाहती हैं, इसलिए इस घर में कोल्ड ड्रिंक आता भी नहीं है। और चूंकि ये प्लान ये हुआ कि कल रात को पिज्ज़ा बनने वाला था और अभी बाहर से हम लोग पिज्ज़ा मंगा नहीं रहे सेफ्टी रीजन से, तो घर में ही बनाना इन्होंने सीख लिया है। और केवल पिज्ज़ा जो है ना गले से उतरता नहीं है, तो फाइनल डिस्कशन ये हुआ कि हाँ इस बार कोल्ड ड्रिंक मंगा लेते हैं ताकि पिज्ज़ा के साथ इसको थोड़ा पिया जाए तो हेल्प करेगा वो हमें ज़्यादा पिज्ज़ा खाने में। और मैडम को पिज्ज़ा काफ़ी अच्छा लगता है, जब पिज्ज़ा भी आटे की बनाती हूँ। जब सब कुछ नॉर्मल था तो मैडम ना भी तो महीने में 3 से 4 बार तो पिज्ज़ा ज़रूर खा लेती थी और वो भी सकते हैं, तो 1500 से 1600 रुपये का एक पिज्ज़ा महीना में खा जाती थी। अब लॉकडाउन और ये सब कोरोना के चक्कर में ये सब तो हो नहीं पा रहा, तो घर में ही इन्होंने बनाना सीख लिया है और सच पूछो तो काफ़ी अच्छा बना रही है। क्या मैडम, आप लोग ये जो लैपटॉप में देख रहे हैं 9:30 to 10:30, इसका भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। मैडम का क्लास चल रहा था, ये क्लास ले रही थी और हुआ ये कि इन्हें 1 घंटे का क्लास लेना था और शायद इनके दिमाग से टाइमिंग का ध्यान नहीं रहा और इन्होंने 40 मिनट में ही क्लास ओवर कर दिया। और ये ऐसा एक बार नहीं हुआ, वीक में 2 बार हो गया। और मैडम का ये जो मैटर है ना काफ़ी ज़्यादा स्केलेट कर गया और इनका खुद का कॉन्फिडेंस लूज हो गया कि यार ये कैसे हो रहा है, 1 घंटा का क्लास है, मैं इधर आधा घंटा ले रही हूँ या
40 मिनट ले रहूँगा, ऐसे तो काम बिगड़ जाएगा। तो फिर जा करके इन्होंने ये जो है जुगाड़ लगाया है, इसको देखने के बाद इनको याद रहता है कि हाँ 9:30 to 10:30 रहता है। और बाकायदा इन्होंने अलार्म भी सेट करके रखा हुआ है मोबाइल में, एक बार स्टार्ट होता है 9:30 में जो बजता है बताता है कि टाइम शुरू हो गया है क्लास लेने का, और 10:30 में फिर बजता है जो ये बताता है कि टाइम ख़त्म हो चुका है। तो उसके पहले ये क्लास ख़त्म नहीं करती है। ये सब पोल मत खोला करो आप ऑनलाइन, ठीक है? इसमें पोल खोलने वाली बात क्या है, ये इंसान है, इंसान से गलती होता है, इसमें क्या बात है। बट अच्छा बात यह है कि इन्होंने जो है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और देखिए क्या मस्त सॉल्यूशन लेके आया है। 9:30 to 10:30 देखा, इसलिए ये ज्यादा दिमाग काम करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब आदमी गलती करे तो गलती का एहसास करने के बाद उसके पास एक का कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए, और इन्होंने एक अच्छा सॉल्यूशन निकाला।